कुछ कंपोस्ट जो है इसकी मिक्सिंग चल रही है, तो जो मेरा लगून है वो वहाँ पर है, वहाँ से जो है पूरा मटेरियल जो है जितना भी कुछ है वो एक दूसरी जगह ट्रांसफ़र करी जाती है, जो हम जिस तरीके से मिक्सिंग करवाते हैं, क्योंकि कई बार बीच में कोई ऐसा रह जाता है थोड़ी का पोर्शन जो गीला नहीं होता, तो एक बंदा जो है कॉन्टीन्यूसली इस पर पानी, 4-5 दिन से इसमें वेटिंग जो चल रही थी, फिर इसके बाद ये यहाँ से चलेगा। ये देखिए इस तरीके से एक अभी टनल में है कंपोस्ट, एक बंकर में है। यहाँ पे जो है इस तरीके चिकन मैंने और आ गया है, यहाँ से जो है एक बंदा कॉन्टीन्यूसली यहाँ भी पानी लगा रहा है, तो क्योंकि इसमें वेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर वेटिंग अच्छे से नहीं होती तो फिर दिक्कत आ जाती है। और इतने लार्ज अमाउंट में जो कंपोस्ट होता है उसमें वेटिंग एक जगह पे, उसी जगह पे मिक्सिंग में बड़ी दिक्कत आती है, तो एक जो है वहाँ कॉन्टीन्यूसली उस तरीके से वेटिंग चल रही है, वहाँ पर भी जहाँ पर भी ये लग रहा है कि सूखा है वहीं कॉन्टीन्यूसली पानी जो है वो डाला जा रहा है। एक यहाँ पर हमारे पास जो है कॉन्टीन्यूसली इस तरीके से, ये पूरा दिन जो है लग जाएगा इसमें, एटलीस्ट 12 घंटे लग जाते हैं हमारे। अब ये सारा कंपोस्ट वहाँ से जितनी भी तूड़ी है यहाँ आएगी, फिर चिकन मैन्योर आएगा, और वहाँ पर जो है कॉर्नर पे मैं आपको दिखाती हूँ जो मटेरियल हम डालते हैं। और मटेरियल ऐसे नहीं कि मनगढ़ंत अपनी मर्जी से कि भाई चलो 4 डाल दिया, 5 कट्टे हैं, एक फालतू कर दिया, कम नहीं है वो, हम अपने, अब क्या दिक्कत बाद में रहती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम स्टार्टिंग में पूरा इस तरीके से कैलकुलेशन लेके चलते हैं, हर एक चीज़ की कैलकुलेशन चलती है। देखिए यहाँ पर अगर मैंने 12% जिप्सम डालना है तो 12% का ही सामान आएगा, उसमें ऐसा नहीं होता कि 10% डाल दें 11, नहीं, जो कैलकुलेशन आई है जितना हमारा सामान आया है, जो भी जिस कैलकुलेशन के हिसाब से हम करते हैं वैसे ही होता है ये, तो हम स्टार्टिंग में अपने हिसाब से ठीक लेके चलते हैं, प्रोसीजर पूरा अच्छे से फॉलो करते हैं। उसके बाद अगर कोई दिक्कत रहती है तो देखो उसमें तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी तरीके की कोई यहाँ पर ऐसे कुताही नहीं है किसी भी काम में ना, एक भी स्टेप में, एटलीस्ट मेरे काम में तो नहीं है। और इस चीज़ से परेशान हो गए तो काफ़ी लोग काम छोड़ के भी जा चुके, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं, जो काम है स्टेप वाइज है, प्रोसेस है वही फॉलो होगा। उधर भी कॉन्टीन्यूस पानी चलता है, इधर भी कॉन्टीन्यूस पानी हर जगह लगता है। उसके बाद हमारी फिर चिकन मैन्योर जो है इसमें फिर दोबारा चिकन मैन्योर के साथ मिक्सिंग होती है, फिर ये यहाँ से इसकी तीसरी बारी फिर ये लगून में जाता है, वहाँ पर हम इसको होल्ड करते हैं, पाइल बनाते हैं, देन इट गोज़ टू दी फर्स्ट, जब उसकी, अभी ये ज़ीरो टर्निंग ही बोलते हैं इसे, उसके बाद फिर हम इसकी पहली टर्निंग के लिए बंकर में लेके आते हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर रहता है। आज जिनकी जिस विकास हैं भाई साहब, उनकी भी है, ये अभी चल रहा है कंपोस्ट का काम, तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है, उनको मैं भी भेज दूंगी वीडियो। तो मेरा जो काम होता है कोशिश रहती है उस दिन हम यहाँ अवेलेबल होते हैं, जो मेजर है, जैसे मिक्सिंग सबसे मेजर रहता है इसमें, उसके बाद तो आपकी जो टर्निंग वगैरह है तो वो लोडर वाला अपने आप बंकर वगैरह में फिल कर देता है, लेकिन इस दिन है तो जो ग्रोअर है वो भी पूरा ध्यान रखता है हर वक्त इस चीज़ का, और हम भी ध्यान रखते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि बस मिक्सिंग है तो कहीं पर भी ऐसे हो गई है, नहीं, मिक्सिंग हमारी 3 जगह, इसकी इसको अलग अलग 3 जगह डाला जाएगा, वहाँ पहले वहाँ था, वहाँ से यहाँ है, यहाँ से कहीं और जाएगा, फिर वहाँ से ये दोबारा लगून में जाएगा, 3 बारी इतना बड़ा मटेरियल, यानी कि आपका 35-36 टन का जो हम कंपोस्ट बनाते हैं वो 3 बारी 3 जगह रखा जाता है, और वहाँ से उठाकर उसकी हर बारी एक ही दिन के अंदर उसको बदला जाता है। एक JCB अभी और आएगी, 2 मशीन, तो हम इसका भी कोई वो नहीं करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं जो है चाहिए कि परफेक्शन होना चाहिए, तो अभी एक JCB भी आने वाली है, वो JCB और हमारा लोडर दोनों मिलके इसको इकट्ठे पूरा मिक्सिंग करेंगे, एक उधर से एक इधर से, उसके बाद फिर ये मटेरियल जो है अलग तीसरी जगह ढेरी लगेगी, फिर दूसरी कहीं और ढेरी लगेगी। तो फिर भी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं अपना काम तो कर ही रही हूँ, लेकिन फिर भी आपका अपना कंपोस्ट होता है तो आप बुकिंग से पहले एक बार ज़रूर फॉर्म विज़िट कर लेना।